आज 13 जून 2024 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 13 जून 2024 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत कम बच्चे मुझे जान पाते हैं। जैसे जैसे हमारा योग बाबा के साथ स्थिर होने लगता है, जैसे जैसे ज्ञान और योग से बुद्धि स्वच्छ पवित्र होने लगती है, हमें मुरली ज़्यादा हिट करने लगती है, मुरली से नशा चढ़ने लगता है और खुशी हमारे बढ़ने लगती है। और तब बाबा क्या कह रहा है ये समझ में आने लगता है। एक है ऊपर ऊपर से मुरली सुनना पढ़ना और एक है उसकी गहराई में जाना। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि पहले भी ये मुरलियाँ पढ़ी थी, आज फिर से पढ़ रहे हैं, तो स्पष्ट अनुभव होता है कि पहले समझ क्या थी और अभी कितनी समझ बदल गई है। अभी बाबा की हर बात लॉजिकल लगती है, साइंटिफिक लगती है, तो धीरे धीरे जैसे बुद्धि के ऊपर की मैल हटने लगती है, ऐसे लगता है कि बाबा जो कह रहा है वो तुरंत धारण करे और उसका स्वरूप बन जाए। पूरा खेल इसी के ऊपर है। भगवान जो है वो टीचर बनकर आया है, तो टीचर बनकर वो ABCD सिखा रहा है। एक बार बाबा ने देखो ज्ञान को कितना सरल कर दिया। बाबा ने कहा कि ज्ञान कितना सरल है, जैसे वो छोटे बच्चों को ABCD सिखाते हैं, तो बाबा भी ABCD सिखा रहा है। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर सर्कल और D फॉर ड्रामा। तो बाबा ने ये ABCD भी सिखाई है, क्योंकि भगवान है, ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान देने का तरीका ही अद्भुत है। आज की पूरी मुरली अगर आप फ्लो देखो तो बाबा ने ये जो शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे मुरली याद में रह गई, बहुत साल पहले सुनी थी। ये जो कूट कूटने वाली बात है, तो हमारे इधर मसालों को कूटा जाता है उसको फाइन पाउडर करने के लिए। आजकल तो मिक्सर आए हुए हैं, मशीन्स आए हुए हैं, पहले हाथ से कूटते थे मसाले को, तो उसको कूटना कहते हैं जो भी गरम मसाले हैं। तो बाबा ने आज उसी शब्द को इस्तेमाल किया है कि मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो और तुम्हें बाप को याद करना है। और पूरा आज का मुरली जो है वो इसी बात के ऊपर है कि बाबा का परिचय कैसे देना चाहिए। अब ये टीचर बन के बाबा सिखा रहा है, पूरा खेल इसी के ऊपर है। क्योंकि इस एक बात को हमने नहीं माना तो बाकी सब फेल है, बाकी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है।
तो आज की पूरी मुरली में ये बात आई हुई है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे अमृत वेले सुस्ती में बैठते हैं, खुशी नहीं होती है, थकावट होती है, तो उनके लिए भी बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि घूमो फिरो, चक्र लगाओ, पर रुचि से बाप को याद करना है और अंदर उछल आनी चाहिए। उछल आती है, इसके ऊपर भी हम देखने वाले हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है बच्चों को, जब आत्मा को ही देख नहीं सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, ये भी बाबा ने आज बताया। फिर खाना बनाने वाले, जो पकाने वाले हैं, उनको याद दिलाने को कहा है। साथ में कुछ भी चलना नहीं है, इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करना है। कर्म कर्म विकर्म की गति, विशेष आज बाबा ने कहा कि छोटे बच्चे अगर बड़े बुजुर्गों को ये ज्ञान सुनाए तो कमाल होगा। और ऐसे भी लोग आएंगे बाबा के पास, बाबा ने कहा, जो बाबा का परिचय मिलने के बाद और कोई चित्र उनको सुनने की इच्छा ही नहीं रहेगी, बोला बस बाबा का परिचय मिल गया और कुछ नहीं चाहेंगे। इतना फोकस वाले भी आएंगे। और बाबा ने विशेष बताया कि रूहानी सेना है तो रूहानी सेना का शस्त्र होता है। जैसे आज महाभारत लड़ाई को याद किया है कि गीता और महाभारत दोनों साथ में है, इसका भी हम रेफरेंस देखने वाले हैं, संदर्भ। तो महाभारत लड़ाई में ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया था। बाबा ने कहा आपका अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से भी विशेष है, ये शिव का अस्त्र है, साइलेंस की शक्ति। और बाबा ने परिचय के साथ ही इसको जोड़ा हुआ है, एक है वाणी से बाप का परिचय देना या रचना का, रचयिता और रचना का, एक है साइलेंस आंखों के द्वारा बाप का अनुभव कराना। अभी इसकी गुह्यता बहुत बड़ी अवस्था है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कैसे शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत हम बना सकते हैं। और सच्ची सेवा का सबूत है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जिस भी सेंटर पर है, मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम निर्विघ्न रहते हैं और निर्विघ्न बनाते हैं, उसी को मार्क्स है। तो ये सब बातें हम आज देखने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे ABCD से। मुझे याद आ रहा है, देखो अभी सभी मुरलियाँ कैसे जुड़ जाती है। अगर आपने अच्छा स्टडी किया है तो बाबा की एक एक बात आपको क्लिक होने लगेंगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय है मैं कौन, और 18वां अध्याय है कि सिद्धि, पहला अध्याय विधि है और 18वां अध्याय सिद्धि है। ये बाबा के महावाक्य थे। आज मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने कहा है, क्या कहा है कि पहला अध्याय है, पहला पाठ है, अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। अभी देखो आत्मा समझो और मन मना भव दोनों को बाबा ने एक ही कहा है। अगर लौकिक भगवद गीता अगर आप देखते हो तो उसके पहले अध्याय में ये कुछ नहीं आया है। लौकिक भगवत गीता का उपदेश जो है वो दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से चालू हुआ है। ये केवल उन बाबा के बच्चों के लिए जो भगवत गीता में रुचि रखते हैं। शायद सभी को भगवत गीता में रुचि नहीं है। थोड़ा हिस्ट्री बता दे आपको कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका की है, माना अपना ओपिनियन लिखा है, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। और 18 अध्याय में उन्होंने पहला अध्याय को पूरा बाईपास कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से पहले अध्याय में कुछ नहीं है, क्योंकि पहले अध्याय में धृतराष्ट्र पूछता है कि मेरे और पांडवों की सेना कहाँ कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और फिर दोनों तरफ के योद्धाओं का वर्णन है। फिर सब शंख बजाते हैं और अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, ये सब वर्णन है। तो उसमें उपदेश कहीं पर भी नहीं है। उपदेश चालू होता है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है,
और वो श्लोक भी अति सुंदर है, हमारे सभी दुखों का अंत हो सकता है अगर हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय को अच्छी तरह से पढ़े तो हमारे सभी दुखों का अंत हो सकता है। दूसरे अध्याय में भगवान उवाच है, 11वां श्लोक, अशोचानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। अभी ये भगवान उवाच है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और बातें तथा बोल तुम बुद्धिमानी की तरह कर रहे हो। ज्ञानी लोग न उनके लिए शोक करते जो चले गए और न उनके लिए करते जो है। अब ये बहुत डीप बात है और इसी से आदि शंकराचार्य ने शुरुआत की है। तो जो पहला अध्याय है एक्चुअली वो दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन आया है। तो बाबा की ये बात कि अपने को आत्मा समझो मन मना भाव, ये पहला पार्ट भगवान कह रहा है। अभी आप लौकिक भगवत गीता को फिर से देखो तो मन मना भाव अक्षर डायरेक्ट 9वें अध्याय में आया है, और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है, 65th वर्स ऑफ 18 चैप्टर ऑफ भगवत गीता एंड 34th वर्स ऑफ 9 चैप्टर ऑफ भगवत गीता। 9वें अध्याय में 34वां श्लोक, 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्करो। तो अभी बाबा ये क्यों कह रहा है, पहला पाठ ये है। तो अभी ये भगवान है, हमको नहीं पता ओरिजिनल भगवत गीता कितने श्लोकों की थी। अभी रिसर्च वाले जो भगवत गीता के ऊपर रिसर्च करते हैं वो स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करते हैं कि भगवत गीता में संस्कृत का एक शब्द है क्षेपक, माना एडिशंस हुई है। ओरिजिनल भगवत गीता बहुत छोटी थी और बाद में उसके अंदर बहुत सारे श्लोक ऐड कर दिए गए। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भगवत गीता के ऊपर रिसर्च किया है, और वो भी जेल के अंदर। जेल के अंदर उन्होंने ये किताब लिखी जो आजकल की रिसर्च बुक है भगवत गीता के लिए। जिनको भी भगवत गीता के ऊपर रिसर्च करना होता है उनको बाल गंगाधर तिलक की किताब को रिफर करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने संदर्भ के साथ बताया हुआ है कि कितने श्लोक महाभारत से रिपीट हुए, उपनिषद से रिपीट हुए और बाकी शास्त्रों से रिपीट हुए। माना ये स्पष्ट बात है कि भगवत गीता में एडिशंस हुई है। गोरखपुर वालों की भगवत गीता, गीता प्रेस अगर आप जानते हैं तो उनके तो महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवत गीता में 745 श्लोक है। अभी वर्तमान भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है। अभी इसके ऊपर भी कन्फ्यूजन है, और कई लोग हमको कहते हैं कि आपका धर्म ग्रंथ स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसमें मिलावट है, तो कैसे समझे कि ऑथेंटिक डेटा है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है कि भगवद गीता में आटे में नमक जितना सच है। इसके लिए हमको ये बाबा की बातें समझना चाहिए अच्छी तरह से। जब बाबा कह रहा है पूरा खेल ही इसी के ऊपर है, मन मना भव, माना मन को मेरे में लगाओ, बाकी सब सेकेंडरी है। और मन शिव बाबा में तभी लगेगा, जैसे कल भी देखा कि निश्चय पक्का होना चाहिए कि यही परमात्मा है। अभी मन कहाँ गया है, मन शास्त्रों में गया है, गुरुओं में गया है, कहाँ कहाँ मन भटक रहा है। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है तो फिर परिवर्तन कैसे होगा, है ना। तो आज पूरा मुरली में बाबा यही कह रहा है कि बच्चे आप बाप का परिचय यथार्थ रूप से दो। शुरुआत में कहा 3 मिनट ले लो, फिर कहा 5 मिनट भी ले लो, लेकिन बाबा का यथार्थ परिचय दो। अभी हम साइंस वाले कैसे कहते हैं, क्योंकि साइंस वाले अलग प्रश्न
उठाते हैं तो हम परमात्मा का परिचय डायरेक्ट नहीं देते, पहले हम आत्मा के बारे में सुनाते हैं। और अगर आप देखो ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डेज कोर्स भी आत्मा से शुरुआत होता है, क्योंकि एक बार आत्मा को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर परमात्मा को एक्सेप्ट करना कठिन नहीं है, क्योंकि वो भी आत्मा ही है। सिर्फ फर्क ये है कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो पहले आत्मा को सिद्ध करना है। और आज बहुत सारे हमारे पास डेटा है जिसको कहते हैं रीबर्थ के ऊपर रिसर्च हुआ है। बहुत लोगों ने लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद के जीवन की कहानियां लिखी हुई है, जो रिसर्च की हुई है। ये केवल सुनी सुनाई बातें नहीं है और इसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये बहुत रिग्रस रिसर्च है। और मैं तो एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ जो भी बहुत फेमस हुआ, डॉक्टर वैन डायर। डॉक्टर वैन डायर ये अमेरिका का साइकियाट्रिस्ट है, क्रिश्चियन धर्म से है और वहाँ पे पुनर्जन्म को मानते नहीं है। तो उसके पास एक कला थी हिप्नोटिक रिग्रेशन, माना वो पिछले जन्म में लेके जाता था, सिर्फ वो मानता नहीं था। फिर जो भी बातें उसने देखी उसको उसने और उनकी टीम ने कंफर्म किया तो पता चला कि इन्होंने जो भी बातें सुनाई सब सच है। तब उसने एक्सेप्ट किया कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता था, लेकिन ये सब हिप्नोटिक रिग्रेशन की बातें, माना सम्मोहन में पीछे लेके जाके उन्होंने जो चेक किया 100 साल पहले, माना उस व्यक्ति का पिछला जन्म जबकि उसका शरीर ही नहीं था, तो वो सब बातें सच निकलने के बाद उन्होंने कहा इसका मतलब जो भारत का तत्व ज्ञान है कि हम आत्मा है, ये सच है। और फिर उसने किताब लिखी मेनी लाइव्स मेनी मास्टर, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर बाय डॉक्टर ब्रायन वायस। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी किताब, सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए इस किताब में। तो कहने का भाव है जब ऐसे हम आत्मा का परिचय देते हैं तब लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं कि आत्मा है। तो जैसे आत्मा है तो हम लॉजिकली हम सिंपल भाषा में कहते हैं, जैसे हमारे स्पार्क विंग में भी कहते हैं और बहुत साइंटिस्ट ने इसे स्वीकार किया है कि क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर, माना रचना है अर्थात रचयिता जरूर है। बच्चा है मतलब बाप भी होना चाहिए, क्योंकि बगैर बाप के बच्चा हो नहीं सकता है। तो आत्मा है मतलब उसका रचयिता भी तो जरूर है अभी, लेकिन उसका रचयिता का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से हमको देना है। ऐसे नहीं वो हवा में से क्रिएट करता है, क्योंकि यही प्रश्न देखो जगदीश भाई ने दादियों को पूछा था। और हमारी कुंज दादी जो उस समय कुमारी थी, उन्होंने जगदीश भाई को संतुष्ट कर दिया जवाब से, क्योंकि जगदीश भाई का कोर्स बहुत दादियों ने किया, लेकिन कुंज दादी ने ही जगदीश भाई को संतुष्ट किया, उसके जवाब से संतुष्ट हो गए जगदीश भाई। लास्ट में मैं जब कुंज दादी को मिला था तो वो बिहार के पटना में थे, उन्होंने ये सब स्टोरी मुझे आंखों देखी सुनाई है। और बहुत नशे वाली आत्मा, उनका उमंग उत्साह मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो जब जगदीश भाई ने ये प्रश्न पूछा तो कुंज दादी ने कहा रचयिता का मतलब ये नहीं कि वो हवा में से तैयार करता है, रचयिता का मतलब है पुरानी से नया करता है, ये भी रचयिता का स्पष्टीकरण है। तो जब भी हम किसी शब्द का अर्थ बताते हैं, अगर वो यथार्थ अर्थ है तो बुद्धि स्वीकार कर लेती है, इवन तर्क वाले रैशनल माइंडेड लोग जो है उनकी भी बुद्धि स्वीकार करती है। अभी सतयुग त्रेतायुग लोग स्वप्न कहते हैं कि ऐसी कोई दुनिया नहीं है, ये सब आप सपने की बातें करते हो। तो बाबा ने सपने का डेफिनेशन दिया, देखो आप अपना डेफिनेशन देके इस बात को सिद्ध करो। बाबा ने एक मुरली में कहा कि सतयुग त्रेतायुग बीत गया, जो बीत गया वो है सपना, इसलिए सतयुग त्रेता को सपना कहते हैं। तो ये सब
जवाब देने के तरीके आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से, कोई प्रश्न ही नहीं रहना चाहिए कि परमात्मा का परिचय कैसे देना चाहिए। पहले पहले बाप टीचर सदगुरु, कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। जैसे ही आपने कहा तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी, क्योंकि बाप सर्वव्यापी नहीं हो सकता। टीचर है मतलब वो पढ़ाने को आता है, तो वो पढ़ाता है, और पढ़ाने के लिए आता है मतलब इधर नहीं है, वो कहीं से आता है, इसलिए परमात्मा अवतरण कहते हैं। हमारे भाइयों ने इसके ऊपर मूवी बनाया, अजन्मा का जन्म, जिसका जन्म ही नहीं होता है माँ के गर्भ से, तो उसका जन्म कैसे? तो अजन्मा का जन्म। तो इस तरह से बाबा हमको समझा रहा है कि पूरा पक्का इसी के ऊपर करना है। बाप का परिचय जब तक नहीं है, गाड़ी आगे जानी ही नहीं चाहिए। आज तो बाबा ने यहाँ तक कहा, जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं है। भगवान वाच, बाबा ने कहा पैर आगे बढ़ाना ही नहीं है। ऐसे बाप के परिचय पर दो चार चित्र होने चाहिए। देखो, मुझे पता नहीं अभी दो चार चित्र है या नहीं, हमारा तो एक ही शिव बाबा का किरणों वाला चित्र है। लेकिन मैंने देखा है कर्नाटक में, हमारे वरिष्ठ भ्राता राज ऋषि भाई कहते हैं, जिन्होंने भगवद गीता का एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया है, 108 कोठड़ियां उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने कई सारे चित्र बाबा के और भक्ति मार्ग के कॉम्बिनेशन से बनाए हैं। बहुत सुंदर सुंदर चित्र है। आजकल तो ये सब अवेलेबल है। अभी कर्नाटक एक बहुत पवित्र धरनी है, जहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्माएं होके गए हैं। जैसे महाराष्ट्र संतों की धरनी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक बाजू बाजू में, तो मैंने देखा है वहाँ पे बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं। तो ऐसे ही राज ऋषि भाई ने वहाँ के संतों का उदाहरण देके, आत्मा का, पुनर्जन्म का, परमात्मा का, एक अपना चित्र है सर्व आत्माओं के पिता, कि सभी आत्माएं उस एक को याद करती है। ये सब चित्र अभी बने हुए हैं। बाबा ने ये साकार मुरली में कहा था, माना 69 के पहले की बात है। तो ये बात अगर हम अच्छी रीति समझाएंगे तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा कि यही परमात्मा है और यही आया हुआ है, और वो सर्वशक्तिवान है। उसको याद करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। अभी गीता का भगवान के ऊपर उन्होंने दो पीएचडी किया हुआ है, आप सोचो, एक बाबा का बच्चा दो पीएचडी कर रहा है भगवद गीता के ऊपर। बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण का परिवार है, उसके मात पिता है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? कल के मैंने जो सीक्वेंस बताया था लॉजिकल, कि देवता परमात्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो दुख है ही नहीं। लेकिन अगर ये भी सोच के चलो कि श्री कृष्ण के शरीर में अगर परमात्मा आता है, तो श्री कृष्ण तो अति आकर्षक है, उसको सभी पहचान लेंगे, तो गुप्त कैसे हुआ? गुप्त तो नहीं हुआ ना। तो ये भी बात इसके अगेंस्ट में जाती है। तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिससे हम परमात्मा का यथार्थ परिचय देते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लोगों का भावना है ना, देवताओं में भावना है, उनको बहुत रेस्पेक्टफुली बात कहना चाहिए और अपनी बात को रखना है। जैसे मैंने कल इस्कॉन वालों का एग्जाम्पल सुनाया, तो मुझे वो आत्मा बार बार कह रही कि आपका शिव तो केवल ब्रह्मलोक तक ही है, लेकिन श्री कृष्ण तो उसके ऊपर चार लोक गोलोक में रहता है। अभी वो आर्गुमेंट में जा रहा है, और हमको बाबा की श्रीमत है कि आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए, परमात्मा निराकार है।
तो निराकार और साकार इसमें भी ये लोग अटके हुए हैं। एक मुझे याद आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, इतना इंटेलिजेंट और सिंसियर, उसने कहा परमात्मा सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है। अब ये भक्ति मार्ग के शब्द है, ये दोनों में ही वो अटका हुआ है, उसके आगे नहीं जा पा रहा है। और हमने जब बाबा का परिचय दिया, ये बात है गुजरात की, गुजरात वलसाड़ में मुझे ये आत्मा मिली थी, अभी वो इधर ही अटका हुआ है। जबकि बाबा के बच्चे, मुझे इतना रहम आ रहा था उस आत्मा के ऊपर कि अगर इसने बाबा को पहचान लिया तो ये कितने फास्ट जाएगी। और हमारे इधर एक बूढ़ी माता है, गांव वाले भाई बहन है, वो दिल से कहते हैं कि बाबा को हमने पहचान लिया, बाबा बिंदी है, उनको कोई डाउट नहीं है। अभी इसको डाउट क्यों है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान दिमाग में पड़ा हुआ है और उसकी बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो हमको ये पार्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैंने भी उस इस्कान वाले भाई को बहुत रिस्पेक्टफुली कहा कि आप गोलोक में जाओ, मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैंने कहा आई एम हैप्पी विद दिस नॉलेज, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। देन ही गेव अप, उसने समझ में आ गया कि इसका निश्चय पक्का है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरे पास आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी आए थे मुझे कन्वर्ट करने के लिए। वो कहते हैं गुरुजी ने हमको ये सुदर्शन क्रिया सिखाई है। तो मैंने उनको कुछ प्रश्न पूछे जिसका उनके पास जवाब नहीं था। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो लोग बाबा के बच्चे सुबह उठ के थकावट अनुभव करते, मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि हमको अमृत वेले नींद आती है, तो मैं उनको कहता हूँ चलते फिरते बाबा को याद करो अगर बैठने से नींद आते है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपकी नींद खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने आज यही कहा है, घूमो फिरो लेकिन रुचि को बाबा, रुचि से बाबा को याद करो। मैंने दादी जानकी को देखा है, क्या उछल आती है उस आत्मा के अंदर, इतना शरीर पुराना हो गया लेकिन नशा है। हमारा एक भाई क्लास में जैसे ही कोई अच्छी पॉइंट आई तो वो अपने कुर्सी पे खड़ा हो जाता और कहते हैं वाह बाबा वाह, माना जैसे कोई तबला बजाता है, बांसुरी बजाती है, अच्छे परफॉर्म किया तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। ऐसे ही मुरली की पॉइंट सुन के उसको उछाल आता है। अभी ये प्रैक्टिकल होता है, अगर हमारा योग अच्छा हो तो हमारे अंदर उछल आती है। खाना बनाते समय भी ये नशा चढ़ना चाहिए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, और बहुत प्यार प्यारा बनना है। सतयुग में इतना प्यार से चलेंगे, राजा रानी भी बहुत प्यार करेंगे। बाबा ने आज वैसे बोल दिया कि बाप जानते हैं बच्चे बाप को इतना याद नहीं करते हैं। अभी तो छोटे बच्चों को भी बहनें तैयार करती है कि बाबा का परिचय कैसे दे, बहुत जगह पर ऐसे बच्चे हैं। अल्फ को समझ लिया और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। अल्फ या अल्फा या अकार, ये तीनों एक ही शब्द है, हमने पहले इसको देखा है इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। आज की इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो बाबा ने कहा बहुत टफ है लेकिन पॉसिबल है। बाबा ने कहा शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा। इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, इसके ऊपर स्पार्क में भी बहुत स्टडी हुआ है, हमने भी इसके ऊपर प्रयोग किया है कि कैसे संकल्पों से हम किसी का आह्वान कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। बाबा ने कहा जैसे मुख की भाषा द्वारा आप रचना और बाप का परिचय देते हो, ऐसे ही शांति की शक्ति के द्वारा नैनों से बाप का अनुभव करा सकते हो। मनमोहिनी दीदी का हमने अनुभव देखा, जब तीन पत्रकार आए थे, छोटी बहनों को बहुत परेशान किया तो दीदी को बुलाया, दीदी ने कुछ नहीं कहा, केवल उनको दृष्टि दी और तीनों पत्रकार ओम शांति करके चले गए। ये है नैनों के द्वारा बाबा का अनुभव कराना, ये हमारा विशेष शस्त्र है, ये रूहानी सेना जो हम है इनका विशेष शस्त्र ये है, जो अशांत को भी शांत कर सकते हैं। तो लड़ाई मेन याद में ही है और यहाँ पर ही हमको जीतना है, और ऐसे जीते हुए बाबा के बच्चे खुद भी निर्विघ्न रहते हैं और औरों को भी निर्विघ्न बनाते हैं।
मैं विशेष इसके ऊपर जोर दूंगा कि सभी सेंटर बाबा के निर्विघ्न रहे, इसके लिए टीचर्स भाई बहनें सभी जोर लगाए, क्योंकि ये छोटा विघ्न सबको डिस्टर्ब करता है। एक आत्मा डिस्टर्ब होती है, सभी को डिस्टर्ब करती है। इसलिए देखना है कि हम निर्विघ्न रहे और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाए। संगठन की शक्ति में योग करना चाहिए। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो सबको बाबा का परिचय यथार्थ रूप से देना है। कूट कूट कर पक्का करना है कि हम आत्मा है और बाबा को याद करने से पाप कटेंगे और हम भारत की सेवा कर रहे हैं। हम भारत को पतित से पावन बना रहे हैं श्रीमत के ऊपर, जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको वापस ला रहे हैं। विशेष अंदर उछल आनी चाहिए। हार्ट से याद नहीं करना है, रुचि से चलते फिरते बाबा को याद करना है। बाबा के समान प्यार का सागर बनना है, परोपकारी बनना है, शांति की शक्ति द्वारा विश्व को शांत बनाना है, रूहानी सेनाधारी बनना है और निर्विघ्न रहकर निर्विघ्न बनाना है। अच्छा, ओम शांति।